भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रव्यापी धरना के संयुक्त तत्वावधान में बिजली मूल्यों में की गई वृद्धि, मोटर वाहन अधिनियम, महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय बिजली की दरों में वृद्धि कर दी, साथ ही यातायात सुधार के नाम पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं और सरकार से इन दरों में कटौती करने की मांग करते हैं। इस दौरान धरना स्थल पर राम सेवक सुक्त राम समुज, वीरेंद्र कुमार यादव, तनवीर अहमद, नंद किशोर, डॉक्टर आशीष छाया जायसवाल सहित दर्जन लोग मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सुरेश राय और राकेश सिंह ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, 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 बिजली मूल्यों में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत के वास्ते, भगत सिंह के वास्ते, नए भारत के वास्ते, भगत सिंह के वास्ते, सुरेश राय, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बिजली का रेट 21 महीने में 2 बार सरकार ने बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया है जो असह्य हो गया है। गरीब, किसान, मजदूर, कारखाने, छोटे छोटे कारोबारी सब परेशान हैं। इसके विरोध में किया समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो मोटर व्हीकल वाला कानून बना दिया है, जिसमें थोड़ी मामूली गलती पर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी रकम वसूल की जा रही है, आम जनता संतुष्ट परेशान है। हम उसके वापसी के लिए भी धरना दे रहे हैं, उसी के लिए कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे करके कि हम वापस होना चाहिए। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं इंकलाबी नौजवान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कि आज इंकलाबी नौजवान सभा का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ही हो रहा है। आज हम पूरे देश में हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, इन्हीं सब के विरोध में आज हम लोगों का ये धरना है। और हम इस बात को कहने आए हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी हम चेतावनी दे रहे हैं, नीचे हम इस सवाल पे लड़ेंगे, ये हम कहने आए हैं।